उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ के हालात है। बता दें कि नेपाल बॉर्डर के नदियों के साथ ही गंगा भी उफान पर है। वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। वहीं गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर पार बह रही है। वहीं सड़कों पर नाव चल रही है और इनके नाव चलने से ही रेस्क्यू भी किया जा रहा है लोगों को। वहीं 30 गांव डूब गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सीएम योगी से बाढ़ के हालात को लेकर भी चर्चा की। उधर बिहार में भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर में बात करें तो मुजफ्फरपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब है। वहीं कटरा प्रखंड में बागमती और लखनदेई नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी की बकुची, पतारी, अंदामा, बसघट्टा, नवादा और गंगेया गांव की करीब 50,000 से ऊपर की आबादी घिर गई है। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के लिए आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।